एक्चुअली में जो मीरा रोड है भयंदर मार्ग पे, तो वहाँ पर क्या है कि नया पुरवा पे जो उपद्रवियों ने रोका था, ऐसा नहीं हुआ, ये एक तरफा एक योजनाबद्ध तरीके से साजिशतन ये हमला किया गया और ये राम समर्थकों पे हमला किया गया, चूँकि वो लोग खिसे आए हुए हैं राम मंदिर बनने से, कि ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से झड़प हुई। पुलिस भी मौके पे बहुत ही जल्दी शीघ्र पहुंची, अगर पुलिस ना पहुंचती तो कई लोग वहां मारे जाते, कार से खींचने की कोशिश की गई। जो ये अबू शेख है, इसकी जो बयानात हैं वो इतने गलत हुए हैं, इतने ज़्यादा उसने एक हिंदू कौम के लिए बोला कि तुम लोग जाहिल हो, और काफ़ी भद्दी भद्दी गालियाँ दी हैं। दूसरा, जिस समय वहाँ पे रोका गया इन लोगों को, तो पहले वहाँ नारे लगाए गए, उसी के बाद क्या हुआ कि उल्टे देश के खिलाफ और काफ़ी आपत्तिजनक भद्दी, बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। वहीं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री कांत पाठक जी ने बताया है कि वीडियो मिल गए, कई वीडियो और मिल रहे हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है ये हुसकाया गया है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था। ये महाराष्ट्र में पहले भी हुआ है, यही कांग्रेस ने ऐसे ही राम मंदिर के समय, उस समय जब ढांचे का हुआ था, उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से हमला कराया था कांग्रेस ने। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अयोध्या में तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे समुदाय हैं जिन्हें अभी तक ये बात रास नहीं आ रही है। बता दें कि यही घटना महाराष्ट्र के मीरा रोड में देखी गई, जहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही वहाँ पर दो गुटों में झड़प देखने को मिलती है। अब इन सब के बीच में उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि अपने पोस्ट के जरिए, अपने वीडियो के जरिए लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। बता दें कि इस शख्स का नाम अबू शेख बताया जा रहा है, जो कि वीडियो बनाता है और इस वीडियो को वायरल करता है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये जो झड़प है उसी की बदौलत है, क्योंकि इसी शख्स ने लोगों को भड़काने का काम किया था। बता दें कि अब तक इस पूरे घटनाक्रम में महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, और इस वक्त अगर बात हम महाराष्ट्र के डिप्टी CM की करें तो एक्शन के मोड में है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाला कोई भी तत्व है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में इस मामले में विस्तार से चर्चा करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। घटना मीरा रोड की है, जहां पर देखने को मिला कि कैसे दो गुटों में झड़प होती है। आराम से यात्रा निकाली जा रही थी, प्रभु श्री राम का आगमन ही इस तरीके का था कि लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और लोग लगातार इसे दिवाली की तरह मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब यही चीज मीरा रोड में भी देखने को मिली, लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ कि वहां पर यह खुशी झड़प में बदल गई और वो शख्स अबू शेख जो कि इस वीडियो में भड़काते हुए लोगों को नजर आया, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैं क्लियर कर दूं, एक्चुअली में जो मीरा रोड है भयंदर मार्ग पे, तो वहाँ पर क्या है कि नया पुरवा पे ये वहाँ एक योजनाबद्ध तरीके से एक समुदाय विशेष के लोग रहते हैं, अगर कोई भी गाड़ी में हनुमान जी की फ़ोटो है या भगवा तो निकलने नहीं देते, अधिकतर खुरेज देते हैं, ये सब करते। उस दिन 3-4 कारों में लोग निकले, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से झड़प हुई, हकीकत यह है कि उन लोगों में उसमें भगवा लड़के झंडे लगे हुए थे और सामने हनुमान जी की फ़ोटो थी, तो हनुमान जी की फ़ोटो उन लोगों ने तुरंत ही उससे हटाई स्टिकर से, और उन लोगों ने कार से खींचने को थी, एक महिला को किसी लोहे के उससे धारदार उससे मारा, मगर वो बच गई, ये कहिए वो एकदम से भागने को हुई तो उसके बच गया, तब भी उसके सर से भयंकर खून आ रहा था। पुलिस भी मौके पे बहुत ही जल्दी शीघ्र पहुंची, अगर पुलिस ना पहुंचती तो कई लोग वहां मारे जाते, कार से खींचने की कोशिश की गई, कारों पे शीशे तोड़े गए और जहां जहां हनुमान जी की वो थी उनको तोड़ा गया, भगवा के झंडे फेंके गए, और आपको बता रहे हैं कि अगर कार से लोग खींच लेते लोगों को या कार खोल करके सब बाहर आ जाते तो बहुत बड़ी कैजुअल्टी होती, कई लोग मारे जाते। आपको यहाँ क्लियर कर दें, दो लोगों की पोजिशन अभी भी काफ़ी वैसी है, जिसमें एक की स्थिति काफ़ी ख़राब है, उस महिला के काफ़ी सर पे से खून निकला और काफ़ी उससे अटैक किया गया था। दूसरा जो व्यक्ति है जो
ये अबू शेख है इसके बारे में बता दें, ये अघाड़ी गठबंधन के लोगों को हमेशा पैरवी करता है। वहाँ पे ख़ास तौर से जो है वो राष्ट्रवाद का विरोध करता है, एंटी नेशनल काम भी करता है। जब वहाँ पे लोगों ने रोका है, उसमें जो लोग थे वो सब युवा थे और अच्छी हाइट के थे, अच्छी पर्सनैलिटी थे। एक योजनाबद्ध तरीके से आपको बता रहे वेल प्लान्ड अटैक किया गया। अटैक में छोटे बच्चे नहीं हैं, महिलाएं नहीं हैं और कोई एजेंट नहीं है, सब अच्छी हाइट के लगभग 5.5 फुट 6 इंच के लंबे हैं अधिकतर लोग, और बड़े उससे आकर के कारों पे रोका। और जो ये अबू शेख है, इसकी जो बयानात हैं वो इतने गलत हुए हैं, इतने ज़्यादा उसने एक हिंदू कौम के लिए बोला कि तुम लोग जाहिल हो, और काफ़ी भद्दी भद्दी गालियाँ दी हैं, इतनी बहुत ज़्यादा भद्दी भद्दी गालियाँ दी। और भद्दी गालियों के अलावा ये भी कहा है कि तुम लोग जालिम हो और तुम लोगों को तो आप तुम लोग यहाँ आ नहीं पाओगे, यहाँ बैरिकेडिंग लग जाएगी, इसके बाद आप वैसे भी नहीं आ पाएंगे। दूसरा, जिस समय वहाँ पे रोका गया इन लोगों को, तो पहले वहाँ नारे लगाए गए, उसी के बाद क्या हुआ कि उल्टे देश के खिलाफ और काफ़ी आपत्तिजनक भद्दी बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दी गईं उन लोग कार से जो लोग उसमें भगवान राम के उस पर निकाल रहे थे, और अगर वो लोग अगर जवाब देते, मगर ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों ने भी विरोध किया हो या इन लोगों पर पथराव किया हो जो उपद्रवियों ने रोका था, ऐसा नहीं हुआ। ये एक तरफा एक योजनाबद्ध तरीके से साजिशतन ये हमला किया गया, और ये राम समर्थकों पे हमला किया गया, चूँकि वो लोग खिसियाए हुए हैं राम मंदिर बनने से। अच्छा पत्रकार जी, ये आज ही की बात नहीं है, मीरा रोड की बात नहीं है, ये अक्सर देखने को मिल रहा है। मीरा रोड में ये घटना घटित हुई, वहीं गुजरात में भी यही चीज़ें देखने को मिली, वहाँ पर भी पथराव होता है। और ठीक, अगर हम 1-2 साल पहले की बात करें तो तब इतना तनावपूर्ण स्थिति नहीं होती थी, लेकिन आजकल अगर हिंदू पक्ष जो है रामनवमी का भी त्यौहार मनाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो उस पर भी दूसरे पक्ष के द्वारा जो है अटैक कर दिया जाता है, पथराव कर दिया जाता है। आखिर बार-बार इस तरीके की घटना क्यों घटित हो रही है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली में है क्या कि इस राम मंदिर बनने से कुछ लोग बहुत जलालत महसूस कर रहे हैं, उन लोगों ने रोड़े अटकाए थे, वो राजनीतिक लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जनता ने कहीं विरोध नहीं किया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का, और दूसरी बात है जिसने बाबरी मस्जिद का मुकदमा दायर किया था अंसारी ने, वो बाकायदे वहाँ गया, उसने सब लोगों से कहा कि मन व आत्मा शुद्ध करके यहाँ आइए, रामराज कायम होना चाहिए। और आपको बता रहे, ये लोग जो हैं खासतौर इंडी गठबंधन के कुछ लोग, अघाड़ी दल के, और शिवसेना चूँकि आउट हो गई वहाँ पे, और कांग्रेस के लोगों ने ये योजनाबद्ध तरीके से लोगों को भड़काते हैं। अब आपको बता रहे, इधर देखिए राम मंदिर चल रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन, और उधर बहुल क्षेत्रों में जाके यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने भी आज पुलिस को हुसकाने, पुलिस के खिलाफ हुसकाने की कोशिश की, कल भी उन्होंने की, आज तो ओपन की पुलिस के खिलाफ, उसके बाकायदे उनके वीडियो आ रहे हैं, उन्होंने पुलिस पे हमला तक करने के लिए कहा। यही पोजीशन यहाँ पर है कि अभी आपने देखा वो वैसी ने बयान दिया था, और संजय राउत ने जो बयान दिया उससे गड़बड़ हो रहा। संजय राउत एक्चुअली में वहाँ पर काफ़ी अगले की पोजीशन ख़राब हो रही, अगले ने क्या किया, बाला साहब के नाम को ख़त्म कर दिया, उनका सबको नीलाम करा दिया, और शिवसेना भी अगले छिनवा दी संजय राउत ने, और चिन्ह भी छिनवा दिया, और आज उद्धव ठाकरे की स्थिति बहुत ही बुरी है। अब उसमें क्या है कि ये चाह रहे हैं किसी तरह से कहीं पे कोई तनाव हो जाए, दंगा हो जाए, इसके लिए नेता लोग उसका रहे। देखिए, उसका ये जो है ये इन्हीं लोगों का खास आदमी है, ये जो शेख है ये इन्हीं लोगों का खास आदमी है, और ये अघाड़ी गठबंधन का DCP जयंत बजबले ने भी कहा है कि हम पूरे उस पर निगाह रखे हुए। और आपको बता रहे, संडे की रात की घटना है, उसके बाद ही आपको बतला रहे हैं कि रात भर सुबह 3:30 बजे तक लगातार वहाँ के DGP जयंत बजबले और वो वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बराबर संपर्क में रहे,
रात 3 बजे तक जितने लोग उठाए गए, अच्छी बात ये रही कि 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ। बाकी जो लोग शक के आधार पर उठाए गए थे, जिन्होंने सही पोजीशन बता दी है और अगर वो निर्दोष पाए गए तो उन सबको छोड़ दिया गया, सम्मान छोड़ा गया उनके घर तक, सम्मान इज्जत से, सबसे बड़ी बात ये, और किसी के साथ मिसबिहेव नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है। मगर हनुमान जी के स्टिकर वहाँ पर आज से नहीं, शुरू से उस समय भी हटाए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि जो ये कार जा रहे थे, जो राम जी की रैली ले करके 3-4 कारें, इन लोगों ने कहीं झगड़ा किया हो या उन लोगों से लड़ने की हिम्मत हुई, चूँकि इन लोगों की हिम्मत ही नहीं थी कि वहाँ लड़ जाए। चारों तरफ से उन लोगों घेर लिया था, उनके आप कद कांठी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना योजनाबद्ध तरीके से ये हमला हुआ था। वहीं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री कांत पाठक जी ने बताया है कि वीडियो मिल गए, कई वीडियो और मिल रहे हैं जिससे साफ जाहिर हो रहा है ये हुसकाया गया है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था। ये महाराष्ट्र में पहले भी हुआ है, यही कांग्रेस ने ऐसे ही राम मंदिर के समय, उस समय जब ढांचे का हुआ था, उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से हमला कराया था कांग्रेस ने और वहाँ दंगा हुआ था, वही इनकी योजना है। चूँकि कांग्रेस के कुल लोग ये चाह रहे हैं कि बस्तियाँ खाली हों तो भू माफियाओं के जरिए ये दोबारा फिर कमाई कर सकें। चूँकि अब्दुल रहमान अंतुले जो चीफ मिनिस्टर थे और लोगों ने कांग्रेस के इसी आधार पर पैसा कमाया था, इसमें सबसे ज़्यादा निगाह है संजय राउत की। इन लोगों के सपने चकनाचूर हो गए, चूँकि वहाँ ना दंगा हुआ ना झगड़ा हुआ, उल्टा जो गुनाहगार है वो जेल की सलाखों में जाएंगे। और देखिएगा एक दिन आप देखिएगा जो नेता कर रहे हैं ये भी भ्रष्टाचार के सलाखों में जाएंगे, संजय राउत भी अपने घपलों के उस पे जाएंगे जेल पे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है। बात अगर हम महाराष्ट्र पुलिस की करें तो अब तक तो 13 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वहीं वीडियो के माध्यम से कई और संदिग्धों की पहचान की जा रही है और जल्द ही बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कॉमेंट में ज़रूर बताएँ।